हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। तो काजल लगाना किस लड़की को पसंद नहीं है, सबको ही पसंद होता है। और अगर आपका काजल घर का बना हो, हर्बर हो, तो आपको और भी ज्यादा बेनिफिट होता है उसे लगाने का। तो मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी, तो जब दिवाली होती थी तो एक बड़ा सा दिया लगाया जाता था घर पे सरसों के तेल का, और उसके ऊपर मेरी नानी जो साग काटने वाली, मुझे पता नहीं हिंदी में उसको यही बोलेंगे क्या, मुझे पता नहीं है, लेकिन पंजाबी में उसे दात बोलते थे, वो लगा रहे थे, दाती साग काटने वाली। उसके ऊपर जितना भी वो उसका धुआं आता था, वो ब्लैक कलर का, तो उसका वो काजल बनता था। तब हम सब बच्चे जो है उसे अपनी आंखों में लगाते थे, तो बोला जाता था कि ये काफी ज्यादा आंखों के लिए अच्छा है। तो मैंने वैसे तो नॉर्मल काजल, जैसे मैं हर काजल ही यूज कर लेती हूँ, लेकिन हर बार काजल मैंने कभी भी कोई भी यूज नहीं किया था। थोड़े दिन पहले मैं पतंजलि की स्टोर गई थी, और वहां से मैं लेके आई हूँ ये उनका हर्बल काजल। तो इसका रिव्यू मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके ऊपर मुझे, मेरा इसीलिए दिल आया क्योंकि ये हर्बल है, और मुझे लगा कि ये काफी अच्छा होगा, तो क्यों ना एक बार इसे यूज किया जाए। मुझे पता है कि ये काफी पुराना हो चुका है प्रोडक्ट, लेकिन मैंने इसे फर्स्ट टाइम यूज किया है, तो मेरा क्या एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों ने अभी भी इसे यूज नहीं किया होगा, जैसे मैं भी उनमें से ही एक थी। तो अगर नहीं यूज किया है आपने, तो आपको इसका रिव्यू जरूर देखना चाहिए कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलिए जल्दी से आप इसका रिव्यू देख लीजिए, और मैं डेमो दिखाऊंगी कि क्या ये सच में स्मज प्रूफ है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये स्मज प्रूफ है और स्मेल प्रूफ है। ये है मेरे पास पतंजलि का हर्बल काजल। तो ये स्मज प्रूफ है, स्मेयर प्रूफ है, वाटर प्रूफ है। तो मैं आपको डेमो में बताऊंगी कि ये कितना करता है, ये सारी बातें कितनी सच होती हैं। तो ये क्या करता है, इंडल्ज करता है, रिलैक्स करता है और आंखों को स्मूथ करता है। पतंजलि का प्रोडक्ट है और ये हर्बल है, आयुर्वेदिक है। सारे प्रोडक्ट इनके हर्बल होते हैं। तो इसके इंग्रेडिएंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कैस्टर ऑयल है इसमें डाला हुआ, आलमंड ऑयल है इसमें, आंवला है, हरड़ है, बहेड़ा है इसमें, यष्टि मधु है और रसौत है। और इसके प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 90 रुपीज़ है और शेल्फ लाइफ हमें इसकी 2 साल की मिल जाएगी। प्राइस मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। इसको अगर मैं ओपन करती हूँ तो यहाँ पे हमें ये बुलेट जैसे लिपस्टिक होती है वैसे हमें ये काजल मिलता है। तो इसकी जो पैकेजिंग और इसका जो स्टाइल है तो वो मुझे इसके प्राइस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लगा कि इतना प्राइस इसका नहीं होना चाहिए था। आप देख सकते हैं कि इसका जो एज है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प है। तो चलिए मैं स्वैच करके आपको दिखाती हूँ। तो है तो ये बटरी फॉर्म में बहुत आसानी से लग रहा है, लेकिन ये इतना जेट ब्लैक नहीं है। तो ये देखिए कलर इसका ठीक ठीक है, इतना ज़्यादा भी डार्क नहीं है जो कि काजल का डार्क ही होना चाहिए। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या ये वाटरप्रूफ है। तो ये स्प्रे बॉटल है, इसमें मैंने पानी डाला हुआ है, तो थोड़ा सा मैं पानी स्प्रे करूँगी इसके ऊपर, क्योंकि जब भी हम इसमें इसको गर्मी में लगाएंगे तो ये देखिए, तो ये बिल्कुल भी वाटरप्रूफ नहीं है। अगर आप गर्मियों में या फिर बारिश वगैरह में इसे लगा के जाते हैं तो ये बहुत जल्दी से निकल जाएगा। तो इसकी ये क्वालिटी देख ही सकते हो आप कितनी अच्छी है और कितनी नहीं अच्छी। तो चलिए मैं आपको इससे लगा के दिखाती हूँ ये कैसा लगता है। तो ये तो यहाँ पे तो इसके बिल्कुल नंबर कट चुके हैं। यहाँ पे ये मैंने या पहली बार ही मैंने इसे यूज़ किया था, तो अभी मैं फर्स्ट टाइम ही इसे लगा रही हूँ। तो मैं इसे अपनी लोअर वाटर लाइन और अपर वाटर लाइन दोनों पे लगाऊंगी। इस तरह से इसको लगाना थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है, आप खुद ही देख सकते हो। तो ये देखिए मैंने हल्का सा हाथों से टच किया और ये साफ़ हो गया। अगर ये ऐसा है तो मैं तो आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी, आप इसे बिल्कुल भी मत लीजिएगा। ये थोड़ा सा मेरी आंखों में थोड़ी थोड़ी जलन दे रहा है, जैसे थोड़ी सी इसमें कपूर मिलाया हुआ है, कपूर की इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो ये देखिए ये कैसे मेरी आंखों में फैल चुका है, लेकिन अब अभी मैं इसको उतार रही हूँ तो ये बहुत ही जल्दी से उतर रहा है। ये हमारी वाटर लाइन होती है, यानी कि इसमें यहाँ पे पानी होता है, तो अगर थोड़ा सा भी हमारी आंखों से पानी निकला तो सारा का सारा काजल जो है वो फैल जाएगा। तो इस वजह से ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया।
देखिए आपने ये वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो बताना मुझे जरूर, कमेंट जरूर करना कि आपने क्या इसे यूज किया है और कैसा लगा है आपको। अपना कमेंट, अपना एक्सपीरियंस जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर आप मेरे साथ जरूर करना। और हाँ बाबा जी, रामदेव बाबा जी, अगर मेरी बात सुन रहे हो कहीं से तो यहाँ इसकी क्वालिटी को थोड़ा अच्छा कर दो और यहाँ फिर इसका प्राइस थोड़ा कम कर दो, तो आप देख लीजिए आपको क्या अच्छा लगता है। तो चलिए यही थी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फैमिली और फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर देना, नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही और वीडियोस के लिए। तो मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।